हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो एक कंबाइंड सेशन होने वाला है इनऑर्गेनिक और फिज़िकल की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने ऑर्गेनिक की एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया, और उसके बाद से ही आपके कमेंट आ रहे थे कि ऐसे ही सेम आपके लिए, आपको फिज़िकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए भी चाहिए, जिसमें आपके डाउट क्लियर हो सकें और आपको पता लग सके कि आप कैसे इसमें मेहनत कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल से, देन इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले फिज़िकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सुनने को मुझे मिलता है वो स्टूडेंट जो है बायो साइड से, वो ये उनका एक ही बात होती है कि सर कैलकुलेशन नहीं होती है, हम बायो साइड से हैं तो कैलकुलेशन में काफ़ी हम वीक हैं और मैथ हमारी वीक है, तो क्या हम फिज़िकल कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बोलूं कि आप चाहे बायो साइड से हों चाहे आप मैथ साइड से हों, तो फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि ये हमें थोड़ी देर के लिए मैथ वालों को अच्छा लगता है सुनने में कि बायो वाले हमें काफ़ी ऊपर मानते हैं, पर मैं बताऊँ तो हम आपसे भी नीचे हैं। आपको एक डर है तो शायद आप ज़्यादा मेहनत करते होंगे, और मैं खुद मैथ से हूँ तो मुझे पता है कि हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और हमारी मैथ कोई इतनी अच्छी नहीं है। हमने भी लास्ट टाइम 12th में ही पढ़ी थी बस, और उसे पढ़े हुए 5 ईयर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतना कोई आइडिया हमें भी नहीं रहता है। और अगर आपको ये लगता है कि जो क्वांटम के सवाल आते हैं डिफरेंशिएशन के, वो हम अच्छे से कर लेते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम भी उतना ही उसमें घबराते हैं जितना एक बायो का स्टूडेंट घबराता है। तो आप पहले ये भूल जाइए कि आप बायो बैकग्राउंड से या मैथ बैकग्राउंड से, दोनों बैकग्राउंड बराबर ही हैं और दोनों ही स्टूडेंट सेम ही एंट्रेंस को सेम तरीके से ही फेस कर रहे हैं। तो पर यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि आप कैलकुलेशन सुधार कैसे सकते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन सुधारनी है, तो आप कोशिश करें कि आप बिना किसी कैलकुलेटर के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। स्पेसिफिक मैं कह रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, और एक थर्मोडाइनेमिक्स के भी अगर आप कर सकते हैं तो वो कोशिश करें, क्योंकि इन दोनों में ही ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं और लेंदी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे बिना किसी कैलकुलेटर के, 1 मंथ तक अगर आप इसी कोशिश करें, मतलब रोज़ इनके 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और 1 मंथ तक प्रैक्टिस करें इन दोनों चैप्टर के स्पेसिफिकली, तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी सुधर जाएगी। और अगर आपको मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊँ तो आप ऐसा कीजिए कि गेट के जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के केमिकल काइनेटिक्स से, अगर उसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जो एनएटी में आते हैं खासकर, वो उसे आप सॉल्व कर लेते हैं बिना कैलकुलेटर के, तो मैं आपसे गारंटी से ही कह सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बस उन क्वेश्चनों को जितने भी गेट में आए हुए हैं उनको आप एक बार सॉल्व कर लें बिना किसी कैलकुलेटर के, तो आपको देखना कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और सेकंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेट में इतनी लेंदी कैलकुलेशन आती नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। लास्ट पेपर में बस थोड़ा ऐसा हुआ था कि कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी थी, तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपको पेपर भी उसी हिसाब से अटैम्प करना होता है, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो जब हम पेपर देते हैं तो हमें खुद समझने आ जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस आप कैलकुलेशन की केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चनों की स्टार्टिंग से करके रखें 1 मंथ तक, और थर्मोडाइनेमिक्स के, तो आपका पूरा कैलकुलेशन पार्ट कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कैसे अच्छा करें और कैसे प्रैक्टिस करें कि आप बेहतर हो जाएं फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बुक की तरफ जाना चाहते हैं तो पूरी शर्मा पठानी आएँ, पर फिर भी आप कोशिश करें कि आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप फार्मूला पढ़ें, और फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। 90% फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर फार्मूले से ही हो जाता है, तो आप फार्मूला जितने ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना बढ़। थर्ड आपका डाउट है कि आप लास्ट फेज में हैं पेपर के, कुछ टाइम बाद पेपर है, तो कौन से चैप्टर है जो आप लीव कर सकते हैं और फिर भी आप अच्छे मार्क्स फिज़िकल केमिस्ट्री में ला सकते हैं। तो मैं कुछ जनरल चैप्टर की बात बोलूँगा कि एक तो आप क्वांटम का जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे आप लीव कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि क्वांटम के न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ के भी जाएंगे तो फिर भी उनकी लैंग्वेज इस तरीके से सेट होती है कि शायद आप ना कर पाएँ, मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी ना कर पाएँ, इसीलिए आप कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को थोड़ा छोड़ दें और इजी पार्ट है जैसे ऑपरेटर है वहाँ तक आप कर लें, तो भी आप 50% मार्क्स क्वांटम में ले आएंगे। सेकेंड आप फिज़िकल स्पेक्ट्रा छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी वो आता है कभी नहीं आता है, तो फिज़िकल स्पेक्ट्रा आप नेट के लिए छोड़ सकते हैं। थर्ड आप
स्टैटिकल थर्मोडाइनेमिक्स भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कभी कभी काफ़ी एम्बिगियस बन जाती है और फॉर्मूले कुछ ज़्यादा हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आप स्टैटिकल भी छोड़ सकते हैं। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप पूछ रहे थे कि कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो ज़रूर करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो वो हुए जिनमें मार्क्स बिल्कुल फ्री के मिल जाते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं आपको बोलूँ, पॉलीमर, कोलाइड्स और ग्रुप थ्योरी, आप अच्छे से करें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर को आप बिल्कुल मिस ना करें और इन्हें आप ज़रूर अच्छे से कर लें। नेक्स्ट डाउट था आपका कि आप असाइनमेंट करते समय और क्या कहते हैं टेस्ट देते समय क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो आपके कैलकुलेशन वाले हैं, चाहे आप टेस्ट से ही कोशिश करें, टेस्ट असाइनमेंट से जो अभी से आप दे रहे हैं, कि न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करें, देन आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि इससे होगा क्या कि आपकी एक तो प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी और आप इनऑर्गेनिक तो बाद में भी आप इजीली कॉन्सेप्ट लगाना था जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप हमेशा बाद में सॉल्व करें। लास्ट एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले एक जगह लिख लें और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हों जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जो आप भूल जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन फॉर्मूले को ज़रूर एक जगह लिखें और जितनी ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले या ब्रेक में जब भी आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन ब्रेक लेते हैं, मतलब पढ़ाई से 4 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे ब्रेक ले, उस दौरान उसे एक बार देख लें, मतलब आप जितनी बार फॉर्मूले को देखेंगे उतना बार वो अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा और उतना अच्छा आप उसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप ये स्ट्रेटजी ज़रूर याद रखना फार्मूला याद करने के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाए। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 99% बच्चों को पता होता है कि उसमें क्या करना होता है, दो ही चीज़ें हैं सबको पता है, ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको आप बेहतर कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही काफ़ी आसान हो जाती है, पर इसके डाउट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो लास्ट पेपर आया था काफ़ी हार्ड पेपर था इनऑर्गेनिक साइड से, और ऐसा ही हो रहा है आजकल कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे तैयार करें ये आप जानना चाह रहे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप पेपर हार्ड आने की वजह से, किसी भी एक सब्जेक्ट का आने की वजह से आप उसको ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं या कोशिश करना चाह रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा और किया जाए, तो मैं कहूँगा कि ये एक राइट पाथ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आपको याद होगा आप जब 12th क्लास में थे तो तब भी ऐसा होता था कि किसी साल फिजिक्स हार्ड आती थी, किसी साल मैथ हार्ड आती थी, किसी साल केमिस्ट्री हार्ड आती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि CSIR NET जब पेपर लेगा तो तीनों में से किसी एक चीज़ को तो हार्ड रखेगा ही, किसी वो इनऑर्गेनिक को भी रख सकता है, फिजिकल को भी रख सकता है, ऑर्गेनिक को भी रख सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप मानो इस बार इनऑर्गेनिक हार्ड आ गई या 4 क्वेश्चन किसी नई बुक से आ गए तो आपने वाली बुक पढ़ ली, फिर अगली बार 4 क्वेश्चन किसी दूसरी बुक से आएंगे फिर आप वाली बुक पढ़ेंगे, तो मतलब आप चीज़ों का पीछा करते रहेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा कीजिए कि जितना आपने पढ़ा है बस वो आपको आना चाहिए। देखो, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो इस बात से डिसाइड नहीं करता कि क्या नया आ रहा है, वो इस बात से डिसाइड करता है कि जो पुराना आया वो आपको कितना आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने इनऑर्गेनिक का कहीं से भी पढ़ा है, चाहे नोट से पढ़ा है, चाहे आप अजय कुमार पढ़ रहे हैं, चाहे आप हुई पढ़ रहे हैं, चाहे आप उससे भी बड़ी कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ें बस एक ही चीज़ को, और ये ना करें, ऐसा ना डरे कि इनऑर्गेनिक में 2-3 बार आपको अलग क्वेश्चन मिलने को देखने को मिले तो अब आपको और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी भी जितना पढ़ें उससे भी ज़्यादा आपको आगे देखने को मिल जाए, बस करना आपको ये कि जितना आपने पढ़ा उसको आपने रिवाइज़ किया कि नहीं किया और उतना आपको अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक का मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपका ये डर चल रहा है ना इसे प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए, वो क्या पता अगली बार आपको फिज़िकल में देखने को मिल जाए और एग्ज़ामिनर का मन करे तो क्या पता आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिल जाए। तो आप बस जितना पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़िए, और कुछ एक छोटी सी टिप्स है मैं जो देना चाहूँगा, अगर आपको इनऑर्गेनिक में बेहतर नंबर लाने ही है तो कुछ जो चैप्टर हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। एक तो बाय इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, एसिड बेस, मेन ब्लॉक में, मेन ब्लॉक में इसलिए कह रहा हूँ कि मेन ब्लॉक में आपको बोरोन और ज़ेनन एंड सिलिकन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो
चाहे पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, और एक केमिकल बॉन्डिंग, हाँ सॉरी एक केमिकल बॉन्डिंग भी है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो चाहे पेपर कितना भी हार्ड आ जाए तो आप इनऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स फिर भी स्कोर कर लेंगे। अब इससे भी ज़्यादा अगर आपका कोई डाउट है कि ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन कहाँ से पढ़ें, तो सबसे बेस्ट बुक इंडियन ऑथर में तो अजय कुमार ही है, आप अजय कुमार ले सकते हैं। और अगर आप फॉरेन ऑथर की पढ़ना चाहते हैं तो हुई से आप बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक सीख सकते हैं, तो इसी इसी से ही आप इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ पार्ट बी के लिए थोड़ा जो इनऑर्गेनिक का लर्निंग पोर्शन आता है उसके लिए आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे किस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आप उसे रेगुलर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, तो उसे थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन को कर लें ताकि आपके पार्ट बी में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी। अब अभी भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको मेरे कोई नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।